मैं को उन माँ बाप के चरण स्पर्श करने के लिए आया हूँ जिनके बेटे नीरज चोपड़ा हैं, टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड जीतकर हिंदुस्तान का नाम सारे विश्व में ऊंचा था। हम तरसते रहते थे कि हमारा गोल्ड आए, हमारा गोल्ड आए, हमारा गोल्ड आए, और नीरज चोपड़ा ने वो करके दिखा दिया। आज 135 करोड़ हिंदुस्तानियों का सीना चौड़ा हो गया। एथलेटिक में आज तक गोल नहीं आया, इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया, बिल्कुल इतिहास लिखा गया है, और ये शुरुआत हो गई है, शुरुआत हो गई। सर, और सरकार की तरफ से क्या जो है मिल्खा सिंह को समर्पित किया है? नहीं, ये उनके संस्कार हैं जो माँ बाप ने दिए। सर, सरकार की तरफ से क्या कार्यक्रम किए जा रहे हैं इनको स्वागत के लिए? सर, देखिए, उसकी सारी योजना बनाई जा रही है। नीति के तहत गोल्ड मेडल लाने वाले को 6 करोड़ रुपया, सिल्वर मेडल लाने वाले को 4 करोड़ रुपया, और ब्रॉन्ज मेडल लाने वाले को 2.5 करोड़ रुपया दिए जाते हैं, और सरकारी नौकरी दी जाती है, और कंसेशनल रेट पर हुड्डा का प्लॉट दिया। सर, अगर नीरज चोपड़ा अकेडमी खोलना चाहे जेवलिन थ्रो की अपने पानीपत जिले में, तो उसमें भी पूरा सहयोग दिया जाएगा? बिल्कुल विचार करें।